राम राम जी दोस्तों, कैसे हो आप सब। आपका फिर से स्वागत है मेरे एक और नए ब्लॉग में। और आज मैं आपको 7 साल पुरानी यादें दिखाने जा रही हूँ। यादें और क्या, अपने शादी का एल्बम दिखा रहे दोस्तों आज हम, क्योंकि आपके बहुत मैसेज कमेंट वगैरह आ रहे थे और हमारे को भी बहुत दिनों से था कि आपको हम सबको दिखाए कि यहाँ पे कैसा क्या हमारा रहा था। और ये देखो, चलो आप तुम्हारे ये देखो फ्रंट आप देख लो। 28/2/2017 को हमारी शादी हुई थी, संजीव वेट संजना, ये लड़का था ये लड़की थी। ये देखो कितना सुंदर सा लड़का है, लड़की तो ठीक है चलो। और ये देखो, तो दिखाइए मैडम आगे। ये गणेश जी है, श्री गणेश है नमः। और जैसा कि फ्रंट हम ओपन कर रहे हैं, और ये देखो जी सबसे पहले हमारी सुंदर कन्या जो ऐसी थी और ऐसी है, ज़्यादा फर्क तो नहीं है। जिसको भी फर्क लग रहा है दोस्तों जरूर बताना। और आप पीछे की बैकग्राउंड पर मत जाना, ये आज ही रावी ने किया है पूरा पेंटिंग की है पूरी। वही तो ये देखो सबसे पहले ये हमारी एंट्री में ही हमारे मतलब स्टार्टिंग दे दी है। जैसा कि आप देख सकते हो कौन सुंदर लग रहा है, कमेंट करके जरूर बताना आप। ये फोटोज अच्छी अच्छी ली हुई थी, देख लिया। ओहो पतलुद्दीन, तब पतला था तो अब मोटा हो गया क्या। मैं अभी वैसा ही हूँ लेकिन पतला ही। और सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं हमारे दादाजी से और मेरे बड़े भैया रवि चौधरी जी, जो शादी से कुछ टाइम पहले ही नहीं 2010 में ही एक्सपायर हो गए थे। उसका कोई था जो भी बताएंगे कभी आपको। पूजा की थाली और ये हमारे घर का सजाया था जो हमने पूजा पाठ के लिए। और ये देखो हमारा पुराना घर, इसमें आंखें बंद हो गई थी थोड़ी सी, वो तो हो जाती है इतनी सी तो अभी भी तुम्हारी आधी से तो आंखें बंद ही रहती है। आधी फोटो वीडियो हमारे को ऐसे उड़ानी पड़ती है तुम्हारी। तो चलो चलो आगे। तो ये देखो दोस्तों सबसे पहले आता है बासन, भात। तो ये हमारे मामा जी है कैलाश जी कटारिया, पिताजी है ही और ये मम्मी है ही। और साथ ही साथ में मम्मी की आप फोटो देख सकते हो, एक नंबर। इधर टीका वीका निकाल रहा है। इधर वापस से आगे मामा जी, और ये हमारे मामा के पक्ष के और पापा के कुछ फ्रेंड्स, ताऊ जी वगैरह और सब। ये पापा के दोस्त प्रकाश अंकल, सुल्तान अंकल, ताऊ जी हमारे पापा के फ्रेंड है, ये सब हमारे फ्रेंड पापा के। और ये लेके जा रहे हैं कलश। ये कलश डेकोरेट करने में हमारे को बहुत टाइम लगा था, पूरा देख रहे हो आप। इसमें प्रॉपर दिख रहा है, देखो इसको घर पे तैयार किया हुआ है। और इधर से फिर वापस आप देख सकते हो हमारे ससुराल के पक्ष के भी लोग, जैसे हमारे बड़ा, इनको बोलते हैं बड़ा, दिनेश चौधरी जी लांबा जी के पिताजी। चलो और यहाँ पे वापस से फैमिली मेंबर, बुआ जी, ये ताई जी है मेरी, ये बुआ जी है, ये मेरी ताई, ये ताई जी की लड़की है। और इधर इनको तो आप खैर जानते ही, हमारे बैंकर, ये हमारे फकोड़िया सॉरी धान के आगे करोड़पति। हंस क्या रही है, करोड़पति बोल के तो कौन है करोड़पति, ये शीला जी दिख रही नॉर्मल सबसे ज्यादा। देखो आपको नहीं लग रही क्या, लगी कोई बात नहीं। और ये कलश वगैरह लेके जा रहे हैं सब हमारे फैमिली मेंबर्स। वो बासन थे, ये कपड़े वगैरह आए थे ये है ना, मेरे ससुराल से आए थे, चांदी का नारियल, चैन वगैरह, अंगूठी वगैरह सब। और ये देखो पंडित जी ने हमारी शुरुआत कर दी, और मैं कैसा लग रहा हूँ बता दो फटाफट आप कमेंट करके। और हमारे पिताजी की फ़ोटो देखो आप तो, एक नंबर वाली। और इधर फल फ्रूट वगैरह हो गए, ड्राई फ्रूट्स वगैरह और सब, और ज्वेलरी वगैरह जो भी थी। ये हमारे दिल्ली वाले चाचा जी, ये हमारा बिंदायक, अब तो बहुत बड़ा हो गया, इसमें अंगूठी वगैरह पहना रहे, हाँ बहुत बड़े हो गए होंगे अब तो। इसमें स्टार्टिंग की थी पूजा पाठ वगैरह की सारी। ये हमारे शादी का बेस वगैरह। और ये देखो कितना सुधरा हुआ सुंदर सुशील छोरा था मैं, ये लड़की मिल गई मेरे को। थोड़े दिन और वेट करता क्या पता और अच्छा जाता मॉडल, सॉरी। और ये देखो भाई साहब पूरे लोग इसमें, हमारे कॉलोनी के, हमारे गांव के और सब मतलब मिलेंगे। ये मेरे फूफा जी के कपड़े वगैरह दे रहे हैं, मौसा जी, दिल्ली वाले मौसा जी जैसे मैंने बताया था। और ये मेरे फूफा जी हैं, ये मेरी बुआ जी, और साथ में ये मेरे जीजा जी हैं ताऊ जी के जवाई। ये मेरे नाना जी, इनसे मैंने आपको थोड़े दिन पहले ब्लॉग में मिलाया था। और ये हमारे बाऊ जी, मेरे ससुराल पक्ष से बाऊ जी, और ये ससुराल के हमारे सबसे सीनियर सिटीजन गांव के वो है ना। और ये हमारे शैतान जी से मैं साढ़ू गांव के पिताजी है, जो अभी इस दुनिया में नहीं रहे लेकिन बहुत सपोर्ट किया था इन्होंने भी हमारा। क्यों, ये हमारे ताऊ जी को कपड़े वगैरह दे रहे हैं। और ये पिताजी का नंबर आ गया, आप देख सकते हो आप। ऐसे देखने पे अलग ही फील नहीं आता क्या, मतलब बहुत टाइम बाद अपन इन चीज़ों को देखते हैं। हम खुद दोस्तों आपके चक्कर में बहुत टाइम बाद देख रहे हो ना, हमारा भी नंबर नहीं आता, रखा ही रहता है एल्बम, देख नहीं पाते। हाँ, और ये देखो पिताजी के लिए भी सूट वगैरह बन के आया था, तो मौसा जी पहना रहे हैं। और इधर ये कौन है,
नहीं पहचानी? नहीं मैं भी नहीं पहचाना। मामा के साइड से आया था? हाँ, मम्मी के साथ या फिर जिधर से भी आया, कन्फ्यूजन है थोड़ा। और ये पिताजी को कपड़े वगैरह दे दिए, पान खिला दिए, पापा का फेस देख सकते हो, पान वान खा लिए। और इधर फिर फूफा जी ताऊ जी और साथ में है आप, पैरावनी वगैरह का चालू कर दिया है। इधर मैं मामा जी और ये हमारे गांव बगरू के ही है, ये पापा के फ्रेंड ही है, पड़ोसी है हमारे वहाँ। इधर वापस से क्या दिए, कपड़े वगैरह दे रहे हैं मामा। बात क्या चल रहा है जी? थोड़ा लंबा हो सकता है ब्लॉग को, पूरा देखना, तभी आपको हर एक मेंबर से मिला पाएंगे और सब दिखा पाएंगे कैसा क्या हुआ था। क्यों? सही बात है। तो वीडियो स्किप मत करना, एक एक चीज़ को देखना। और ये देखो भाई साहब पिताजी को हमारे, ओहो हो, ये हमारे पचार से मेरे तो भैया लगे, मामा लगे, पता नहीं कन्फ्यूजन हो जाता, बहुत टाइम तक मिलते नहीं है ना। तब ये मम्मी के क्या लगे, मैं भूल ही गया यार, पता नहीं दोस्तों मेरी याददाश्त कमज़ोर हो गई। और इधर देख सकते हो आप मेरे मामा जी और ये मम्मी, इधर ये मेरी मामी जी है, बड़ी मामी जी, इनकी वाइफ। और इधर ये मामी जी वापस है। और ये हमारे कालवाड़ गांव से आए थे, जो हमारे रिश्तेदार वगैरह जो भी थे मामा के साइड से बात लेके आए थे। अब इधर आप देख सकते हो हमारे सारी मौसी वगैरह, ये राजू मौसी हमारी, जो अभी कोरोना टाइम के टाइम ही एक्सपायर हो गए थे, जिन्होंने सबसे ज़्यादा मस्ती और मजाक जो हमारे किया था ना संजना, वो इन्होंने किया था पूरा। मतलब तुम देखो, मतलब माहौल जो बनाया था ना पूरा, वो इनकी वजह से पूरा घर का माहौल बहुत अच्छा था। और ये हो गई देखो खाने वाने की तैयारी। और ये मेरे मामा जी क्या पिलाते, लास्ट में जूस वूस पिला के, मतलब ऐसे करते हैं ना एंडिंग करते बात की, शरबत वगैरह पिला के मतलब वैसे। और ये देख लो हमारी गड्डी लांबा जी लेके आई थी साथ में। और यहाँ पे बहुत गहरा चिंतन चल रहा है, देखो आप, पता नहीं क्या बात चल रही थी ऐसी। मैं बताऊँ क्या बात चल रही थी? बताओ। पैसे लेने आए थे पापा, खुले पैसे लेने तो, हाँ दोस्तों ऐसी चोट हुई थी। पापा ने मेरे को बोला था संजना, अब याद आ गई कि हाँ भी खुले पैसे देते मेरे को, जो तेरे वाइफ मेरे को काम आएंगे। मैंने बोला वो तो सारे बंदे हो चुके। और पापा बोले तू साले इतनी देर, मतलब अभी भी, मतलब तूने यूँ नहीं करा कि हाँ भी रुक जाए थोड़ी देर। और ये मेरे ससुर जी जो कुछ टाइम पहले एक्सपायर हो गए थे। और ये मेरे पिताजी जिनका, हमारे ससुर जी का बहुत अच्छा मतलब वैसे था, तो मुँह मसड़ाओ देखो, अब सपोर्ट हमेशा हमारे को किया है उन्होंने, बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, हमारे को नहीं सबको ही किया है, तो उस चीज़ में अपन नहीं करेंगे। ओ उल्टी बात है देखो अब। और ये हमारे पंडित जी गांव के, चतुर्भुजपुरा गांव के, टोंक निवाई है ना। और ये जानती हो? पता नहीं कौन है, सीनियर में कहीं पहचान नहीं पाते। अब ये देखो इधर भी पापा की, दोनों पापा की चल रही है, पीछे मैं खड़ा ही हूँ। और ये हमारे पंडित जी है। और ये हमारे ममता दीदी बगरू से। और ये आप देख सकते हो हमारी राजू मौसी जिनके बारे में बता रहा था। और ये हीरा मौसी। और ये मेरी मामी, डांस में सब एक्सपर्ट है हमारे, हमारे जैसे घर में सब एक्सपर्ट है, हमारे भी सब एक्सपर्ट है। और इधर है कोमल, ये मेरी सिस्टर है, राजू मौसी जो ख़त्म हो गए थे उनके, जो उनकी बेटी है, ये हीरा मौसी की बेटी है, ये मानसूर में है। और ये हमारे ससुराल पक्ष के देख लो भाई साहब, प्रधान जी धनखड़ है ना, और राजू जी ढूंढला, पीछे महेंद्र, बाकी ये कौन आधा झूल रहा है ये पता नहीं है, और इधर कौन है पता नहीं है। और यहाँ पे हमारी कॉलोनी के बैठे हुए हैं, मौजमाबाद से भी हमारे आए हुए थे। और ये हमारी कॉलोनी के ज़्यादातर सब, जो आप देख सकते हो मेरे फ्रेंड की मम्मी वगैरह बैठे हुए। ये सीता दीदी, ये भी बगरू से है, ममता दीदी है ही, और ये भी है, ये बगरू से है ही, ताऊ जी की लड़की। ये देखो भाई साहब बैंकर हमारे, बैंक का इतना बड़ा पर्स लेके घूम रहे, मतलब क्या, मतलब डेमो तो पूरा सेट रखते हो तुम्हें वैसा वैसे था ना दोस्तों। लांबा जी है, लांबा जी। और ये सोनाक्ष, ओ खुशी, जिसको अगर अब देखते हैं ना हम तो संजना के बराबर हो चुकी है। और ये इसमें देखो कितनी सी, ओ हो छोटी थी जब तो। और ये हमारे पड़ोसी भाभी जी। और ये देख लो भाई दोस्तों हमारी गैंग, ये भाई है उत्सव राजौरिया, अजमेर से है और अभी थाईलैंड रहते हैं, वहाँ पे टीचर है, तुम तो जानती हो। खैर वैसे तो मिली हो, नहीं मिली? नहीं मिली, कोई बात नहीं। ये जानू भाई है जिनके शादी में अभी गए थे, ये हीरा मौसी के लड़के हैं पम्मी जी। और ये सनी भाई, सनी ओ अजमेर से ही। और ये अपने जानदू फैमिली, और क्या नाम, दो जुदू से ये दोनों। और ये हमारे डीजे वाले अंकल। और ये हमारे पड़ोसी रहे नितिन भाई, जो मेरे क्लासमेट है। और ये हमारे देख लो ससुराल पक्ष वाले दे रहे डीजे पे फाँप। और इधर शैतान जी अलग ही कुर्ते पजामे दे रहे डांस में। ऐसे तो डांस करते नहीं है जल्दी से ना, करते हैं तो सब चीज़ें। अच्छा मेरी तरह नहीं है मतलब। ये देख लो डेमो दोस्तों, ये देखो तुम सब देखो आप, ये देखो खुशी को देखा साइड में अलग से। तो चलते देखो आगे, उसके बाद में ये हमारी गैंग तुनिका तीतरी। अब नाम वही था तो मैं भूल ही गया नाम जो निकाल रखा था। और ये मनीषा यादव हरियाणा से। ये हमारे मंजू जी है, ममता जी और मम्मी है ही, ये सब बगरू से दोनों।
और ये लल्लू जी मेरे साडू जी के, रवि जी चोपड़ा जी के पिताजी जो अभी इस दुनिया में नहीं रहे, तो बहुत सपोर्ट था इनका हमारे शादी में, रिश्ते में भी इनका सब रोल वगैरह था। तो आए गए थे, हम सब बैठते थे, बात करते थे, वापस मम्मी करते थे। और ये इनकी पोती छवि, जिसको आप देखते हो कई बार बड़ी हो चुकी है अब, संजना से बड़ी बड़ी हो गए सब। वापस से आप देख सकते हो, ये हमारे यहीं पर पड़ोसी है यादव आंटी। और ये जो मेरी सिस्टर बनी हुई है चेची, जो अभी कनाडा रह रही है, उनकी मदर है ये, गवर्नमेंट एम्प्लॉई है ये भी। और फिर मम्मी है ही, ये हमारी मुमल मैडम करौली से, जो हमारे साथ में लो करी भी है। और छवि दीदी तो आप जानते ही, और ये दीदी हमारी ताऊ जी की लड़की। और ये देख रहा मेरे को छेड़ा छाड़ी चल रही है, तो देख रहे हो आप, देख गए आपको मनीषा जी ये रही सामने साफ एकदम। और ये डांस प्रोग्राम इनका अलग से चल रहा था डेमो, इधर सेल्फी टाइम भी हो गया था, लड़कियों के बिना सेल्फियों के काम नहीं होता। तुम जल्दी क्यों हो चिडोकली, और ये देख रहे हो दोस्तों पैसे वाले, ओहो इतना बड़ा पैसा पर्स भर के लाए थे। ये पूजा दीदी है, विमला दीदी की ननद है ना, ओके। सीमा आंटी हमारे पड़ोसी, मम्मी से गहन चिंतन करते हुए, पता नहीं ऐसी क्या सीरियस बात चल रही थी, मुझे भी नहीं पता। और इस लड़की तो क्या ही बोले, इसकी हंसी अलग ही चलती है, स्माइल बिल्कुल अलग। और जैसा कि देख सकते हो आप, चेची की मम्मी है ही, ये उनके फैमिली मेम्बर्स है। और मम्मी को आप देख लो पर्स लेके, बस डेमो में बड़ा सारा तुमने भी रखा है आज तक इतना बड़ा पर्स, ये देखो अब दिखेगा और पूरा बड़ा, ये देखो। और ये पूजा दीदी, इनसे फिर आप मिल ही लिए। और ये देखो आप, ये हमारे पार्षद साहब थे उस समय, महान पंडित जी। और साथ में ये मेरे बुआ जी के लड़के मदन भैया, प्रधान धनकर जी है ही। और इधर पूरा ग्रुप डांस चालू हो चुका है, और ये पिताजी ने भी ढंग के लगा ही दिए थे लास्ट में, ये राजमौसी के साथ में। पापा के राजमौसी की बहुत बनती थी, डांटते भी खूब थे उनको और समझाते भी खूब थे। ये देखो पैसा धान के वालों को तो आप पता नहीं गए होंगे। और ये विमला दीदी की देवरानी है। ये हमारी पार्टी इधर, ये सबसे तगड़े डांसर इनके घर के, वैसा लाला जी रुंडला है ना, लाला जी की तो बात ही अलग है वैसा। ये सुरेंद्र मेरा छोटा साला, ये महेंद्र, ये पीछे उल्टा सुलटे में कहाँ घुस जाते पता ही नहीं चलता, एक तो घुस के डांस करने में ये पता नहीं चलता। अब ये देखो दोस्तों इसमें कौन बता दे कौन कौन है इसमें ओहो, ये तो दिख गया कोई ना कोई, किसी को दिखा के देख रहे हो तुम डेमो, अरे हूँ नहीं बोलना भी है, हाथ हिलाए थे बस, हाथ तो डांस होता है, हाथ ही हिलाता है आदमी और क्या करता है डांस में। और ये देख लो दोस्तों, ये मेरी मौसी बातचीत कर रही है मम्मी से डांस करने के लिए। और ये सुमित भैया, ये हमारे रेंट पे रहते थे अलवर के, जो भी भाई साहब डांस कर ही लिए, ऐसे डांस करते नहीं है। और इधर चल रहा है बैंक का डांस देख लो पापा को, ओहो मौसी पापा पम्मी और कोमल, इधर मम्मी और पापा का डांस देख लो आप। इधर वापस से डांस वगैरह चल रहा है। और इधर आगे पार्टी हमारी राजू मौसी, ये चंदा बहन है हमारी, चंदा दीदी माचवास है इनजो, वो तो जानती हो तुम, अब मत बोलना। हाँ ये कोमल, पूजा और चेची, ये है चेची देख लो जो अभी कनाडा रह रही है, वहीं पे स्टडी वगैरह कर रही है। और इधर पापा मम्मी का डांस हो गया पूरा। और ये आ गया हमारी गैंग, आकाश भाई, टाइगर भाई, ओम जी, बल्ली भैया, मन्नू भैया, मुन्ना और राधे, और ये बीच में मैं। तब कितना पतला था यार मैं, ये मेरे बुआ जी के सबसे छोटे बेटे लाला भाई और मांगीलाल भैया। इधर मांगीलाल भैया की पूरी फैमिली, जिनसे भी थोड़े दिन पहले व्लॉग में भी आपको दिखे थे डांस में, साथ की वीडियो बच्चे छोटे-छोटे, ये छोटे छोटे बिल्कुल छोटे थे, तो वही तो बोल रहा था मेरे सब बराबर आ गए दोस्तों, जितने भी दिख रहे ना सब मेरे बराबर हो गए अभी ज्यादातर। और ये गुड्डू भैया हमारे, और लालू भैया को तो आपको बता ही दिया, तो चलो आगे देखे। ये आ गए हमारे भाई सब गैंग, नेकीराम चौधरी, लोकेश चौधरी, ये लोग में हमारे सीनियर थे ये। और ये फिर हमारी टीम आएगी, ये रहा गोल्डी, ये अर्पित और ये चित्रांश, ये तीनों अजमेर के, ये जो अभी आपको व्लॉग में और कहीं ना कहीं तो दिखे होंगे, तो इनका तो क्या ही बताना आप। और ये देखो भाई सब गैंग हमारी, ये मैंग भाई सबसे खतरनाक, आप गाड़ी चलाते हैं सबको बैठा के, मैं सबको अकेला बाइक पर बैठा के सबको घुमाता, ऐसे केवल बैठो मैं उड़ाता हूँ तो चील गाड़ी अभी। ये समित भैया के फोटो देख लो साफ, ये समित भैया हमारे रेंट पर रहते जो अभी खुद ही इन्होंने बिजनेस स्टार्ट कर दिया अभी पूरा इलेक्ट्रिक का, और वैसे मतलब वो मार्केट उनके गांव का सबसे बड़ा मतलब वैसे वो बिजनेस चालू किया है अभी। अरे अर्पित भाई, चित्रांश भाई और ये सब आए गए, मुमल वगैरह, ये पूरी गैंग वापस है। और ये चेची, ये देख लो अब, ये मेरी सिस्टर क्रिश्चियन है और कनाडा में भी स्टडी कर रही है, मेडिकल से रिलेटेड ही कुछ। और ये हमारी गैंग आई गई, इसको तो अब बार बार नहीं दिखाऊंगा। ये मेरे वजन भैया, बुआ जी के लड़के और उनकी वाइफ भाभी जी हमारी,
ये मंगल चाचा हमारी कॉलोनी के सबसे फेवरेट चाचा है। ये इनसे तुम नहीं मिली कभी और इनके बच्चों से तुम कई बार मिल चुकी। और इसमें आ जाओ, इनका तो मेरे को पता नहीं, नाम याद नहीं है, सही बता दूँ, सुनील, नेहा, ये क्लासमेट है मीनाक्षी, क्लासमेट है मीनाक्षी के हस्बैंड है, नितिन से आप मिल लिए, सुमित से आप मिल लिए, इधर सुमित भी और मेरी भी एक फ़ोटो हो गई फिर लास्ट में। अब ये है हमारी जानदू फैमिली, अगर आप कोई भी दूदू से हो तो आप इनको पक्का जानते होंगे, हर एक को, मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। और तुम नहीं जानती क्योंकि तुम दूदू गई नहीं हो अभी आज तक, जो भी दूदू से ब्लॉग देख रहा हूँ उनको तो पता होगा कौन है कौन नहीं है। और ये हो गया खाना वगैरह का काम चालू, इधर मम्मी बैठी, विनोद अंकल बैठे, सीमा आंटी हमारे पड़ोसी, राजू मौसी, पूजा और हीरा मौसी, मम्मी मम्मी के तीनों तो बहनें बैठी है। और इधर आते हैं फिर हमारा गैंग पूरा है ही पूरा का पूरा, ये विशाल डॉन हमारा, राजू मौसी का बेटा, इनका बेटा ये है डॉन। और ये हमारा पुराना घर आप देख सकते हो दोस्तों, ऐसा था और अब लेकिन मकान पूरा चेंज हो गया, सब कुछ हो गया। और ये कोमल दीदी है ही, और यहाँ पे क्या बोलते हैं, पीटी हल्दी की, मान लो या जो भी मान लो, उस समय हल्दी मेहंदी की इतनी रस्म होती नहीं थी, कोरोना नहीं लगाते इसलिए, वो तो कोरोना के बाद में लोगों के डेमो ज़्यादा हो गए, मेहंदी अलग हल्दी अलग और सब अलग। और ये हमारे राजू मौसी कर रही है, ये पिताजी के नेक वेक कर रहे हैं, फूफा जी का और जीजा जी का, इधर मामी जी कर रही है, मेरी मामी जी देख लो आप, बड़े वाले मामा जो है उनकी वाइफ है ये, छोटे मामा आ नहीं पाए थे क्योंकि उनके थोड़े मेडिकल इश्यूज रहते हैं तो उस चक्कर में आ नहीं पाए थे। और इधर पापा ने नेक वगैरह किया दीदी का, ताऊ जी की लड़की का। और ये फूफा जी का काम चालू हो गया है, यहाँ से साफा वगैरह पहनाना, तैयार करना, और इसमें क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, तुम्हें पता है दोस्तों, शादी कर ली है, 10-10 शादियाँ अटेंड कर ली है, उसको नहीं पता, मेरे को तो आंधली भरते हुए क्या, ठीक है। और इधर बुआ जी आंधली भर रही है, फूफा जी ने पकड़ रखा है तोलिया, और ये ताऊ जी की लड़की है हमारी, इन्होंने भी आंधली वगैरह भर दी, हीरा मौसी, राजू मौसी, ओहो फ्रूट्स वगैरह लाई थी राजू मौसी था, ये चंद्रा दीदी आप ये देख सकते हो आप, और साथ में चेची, चेची भी आ गई थी यो। और इधर ये है मेरे ताऊ जी की बहू भाभी जी हमारी, और ये लल्लू जी चोपड़ा जी, और इधर देख सकते हो आप भाभी जी को, मम्मी ने नेक पेक जो भी करना था वो किया। और ये हमारे गुड्डू भैया की मम्मी, इनकी भी आपको बताऊंगा, जो मैं भैया का जो बता रहा था ना एक्सपायर हुआ था, भैया के साथ में जो एक बंद मतलब भाई जो हमारा एक्सपायर हुआ था विनोद भाई, उनकी मम्मी है ये। और साथ ही साथ में अब ये कौन है यार, बुआ जी का, बुआ जी है, फेस मेरे को उनकी तरह लगा दीदी की तरह, लाली दीदी की तरह। इधर मामा ने पहना के शेरवानी वगैरह और फिट कर दिया तैयार, और इधर आरती वारती कर रही बुआ जी। और अब दे दिया डॉग वॉक के जा रहे हम, ये अब जो ये देखो ये रहे, रुको, ये जो आपको दिख रहे ना, ये है विनोद भाई जो भैया के साथ एक्सपायर हुआ था। तो ये पूजा पाठ वगैरह चालू कर दी है, इधर वो चावल वगैरह खा के जाते जाते क्या, तुम्हें क्या पता, तुम बड़ी गई हो। और दोस्तों इधर हो गई पूजा पाठ चालू, और इधर ये देखो भाई सब गैंग होके आ गए, मैं तैयार हल्के में लेते हैं, भाई सब फुल तैयार व्यार होके सब, ये देखो इधर से उतर गए अपन सीढ़ियाँ। और ये देखो गुड्डू भैया और लाला जी तो अलग से फ़ोटो खिंचवाए भाई, हमारे तो खींच दो अलग। और ये देखो दोस्तों क्या लग रहा हूँ भाई मैं, सही है थोड़े दिन और वेट करना चाहिए था, नहीं देख रहे हो दोस्तों, आप बताओ कैसी लग रही फ़ोटो, आप नहीं लग रही अच्छी तो बताओ। और ये देखो हमारे भाई बंत अपने खास मित्र, समझी, जान दे दे हमारे लिए, ऐसी बात नहीं है, दे नहीं वो बात अलग, लेकिन बोल तो सकते ही है। और ये निकल चुके हैं घर से, ये हमारे दोनों गैंग मेंबर। और ये देखो घोड़ी, इस घोड़ी की स्टोरी दोस्तों आपको क्या बताऊँ, संजना मैं जब तक तोरण नहीं मारा जब तक मेरा यूँ और यूँ झपक 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 झपक, पूछो क्यों, इसकी टांग में मोच, और ये भाई साहब यूँ चलो झटक 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 झटक, मुझे अब क्यों, अरे लेके तो आए थे लास्ट टाइम पर, उस टाइम सावे सबसे ज़्यादा थे तो उस चक्कर में हो ही नहीं पाया था, लास्ट में जो इसी ने चेंज कर दी थी लास्ट में ऐसा कुछ हुआ था, तो उस चक्कर में पूरा काम बिगड़ा था। और ये मौसियों का डांस वगैरह चालू हो गया, पूजा का, कोमल का और सबका। तो ये लो जी दोस्तों नानी जी ने कर दी है स्टार्टिंग, और साथ ही साथ में इधर से सबके पैसे ऐसे दे रही है, बुआ जी वगैरह सब आ गई, ये ताई जी हमारी, नाना जी, ये हमारे सबके चालू हो गए, भाभी जी वगैरह का, मामा मामी सब यहाँ पे जुआरी देते हैं ना, हाँ लास्ट में घोड़ चढ़ाई के बाद में देते हैं, हमारे रेंट पे रहते थे अंकल। और ये चल दिए भाई सब मंदिर में डोक देने के लिए,
देख सकते हो मम्मी मौसी वगैरह सब। और ये देखो मौसी बोल रहा ना हर जगह मजे लेने के, मंदिर में भी सबसे पहले डांस करना चालू किया था इन्होंने। तो ये हमने भोलेनाथ की डॉग वगैरह दे लिया, मम्मी डॉग दे ही रही है। और ये वाले पंडित जी भी नहीं है, ये पंडित जी नहीं है शायद, अब ये भी अब शायद नहीं है। और ये निधि मैडम है हमारे, ये कनाडा वहाँ रहती है, ऑस्ट्रेलिया। ये चित्रांश भाई की मम्मी, ठीक है, पहले आती और ये हिमाचल से आई थी हमारे दिव्या जी, पहले मंदिर में आती थी दीदी के आती थी, अब थे ये उस टाइम पे खत्म हुए थे। चलो तो बताया दिया हिमाचल ऑस्ट्रेलिया से आए थे ये, और ये घोड़े पे चढ़ चुके बारात। इधर से सब बारात तो ये मम्मी ने चालू कर दिया, और ये पापा के फ्रेंड है सुल्तान अंकल, और ये मम्मी है चित्रांश भाई की मम्मी, अपने आंटी और सीमा आंटी, और इधर नाना जी वगैरह पैसे उड़ने का सारा काम करते जो भी है। ये देखो मम्मी पापा और मैं, ये गुड्डू दीदी हमारी, ये चेची है, ये नेहा, ये सीमा आंटी की बेटी हैं दोनों। और ये हमारी आंटी जी पड़ोस में रहती है, जिनका भी डांस आप देख ही लो। और ये सुमित भैया का डांस, अर्पित का डांस, और सबका डांस देख लो आप। इधर सुल्तान अंकल पैसे उड़ने का काम कर रहे हैं, और पिताजी डांस यहाँ पर भी कर रहे हैं देख लो आप। फुल डेमो चित्रांश और अर्पित ने नचा ही दिया लास्ट में पापा को। और ये पापा के अपने फ्रेंड प्रकाश अंकल, इनका भी डांस देख ही सकते हो आप। जल्दी वीडियो भी बनाएंगे, वीडियो वाले के मतलब कैसेट का भी बनाएंगे, जब आप देखना डीवीडी का तब क्या होता है, आपको कैसा लगता है, क्या लगता है। और वीडियो को कमेंट कर जरूर करना कि हमें कैसा लग रहा है आपको। और ये पापा के फ्रेंड है, ये भी है हमारे रिश्तेदारी में भी लगते वैसे, और मतलब सारा काम है। और आप देख सकते हो आप सब इन्जॉय करते हुए। ये ताऊ जी हमारे डांस कर रहे, देख लो ताऊ जी का यूनिक डांस रहता है हमेशा। और ये देखो भाई सब के सब डांस में व्यस्त, और सब अपनी अपनी स्पेशल फ़ोटोज़ वगैरह देख रहे हैं। ये हमारे ताऊ जी, और जो आपको मैंने बताया था गांव के, ये मेरे फूफा जी, ये भी अभी इस दुनिया में नहीं रहे, बहुत यही क्या बोल सकते आप। और ये हमारे आगे ससुराल पक्ष से मौसा जी, और ये मौसा जी, ये जो थोड़े दिनों पहले मुझे कोल्ड कॉफ़ी की जिसने पार्टी दी थी ना मास्टर, अपने गुरु जी उनके पिताजी है। और इधर ये देख सकते हो आप तोरण वोरण के लिए पहुंच गए थे, उससे पहले फिर पूजा पाठ वगैरह होती है पंडित जी का, पूजा पाठ की फ़ोटो एक और। इधर भी नारियल वगैरह देते करते जो सारा काम। और ये लग गया तोरण, ये देख रहे हो ना घोड़ी की शकल देख लो आप, मेरी शकल तो छोड़ो, देखो मेरे को तो डर से। और ये देखो फोटो की, क्या मेरी फोटो अच्छी आनी चाहिए, मेरे से अच्छी फोटो है नहीं इसकी। ये देखो दोस्तों, देखो अब देखो आप डेमो भाई का। और ये मेरी सास मान कर जी जुआरी 500 रुपये की, 500 रुपये लेगा। और ये देख लो सब दुखी, बोले मेरे से काम ही काम कराते। और ये सीरा दीदी को आप देख लो, बंटा के और रखे रेडी, और तुम कहती है समय पार्लर में नहीं आई थी इस समय। और ये अगली घोड़ी पे हमने बैठा था, जैसे होता है हमारा एक नियम, तुम्हारे भी होता ही होगा कि हमें शादी की जो घोड़ी होती है उस पर दूसरा बंदा जो बैठता है उसकी शादी जल्दी होती है, ऐसा कुछ बोलता है। कुछ भी नहीं होती, कैसे नहीं होती, इसकी शादी होगी इसके बाद में, और किसकी बाद भी में तो हुई है, बाद में तो होगी, पहले यूँ तो ना मेरी घोड़ी पर बैठी मेरी शादी करके आ जाएगा। अरे वाह बेटा। और ये हमारी सासू माँ जी देखो भाई साहब, उसकी लिया थाली भी, हलवाई की थाली लिया बेटा उठा के, क्या हमें जिमाएंगे तो बाद में पहले वो कर ले पूजा पाठ। और ये देखो नापा चौकी चल रही है, कंचन दीदी की मम्मी हमारी मौसी प्लस चाची दोनों है, मेरी मौसी और सास, इसकी मौसी, मेरी चाची जी, इसकी चाची, नहीं मेरी चाची और सास और इसकी चाची। तो ये भी एक रस्म होती है। मैं तो दोस्तों अभी दिखाएंगे तो डेमो से रुको। ये हमारे गुरुजी लोकेट जो हमारे टीचर थे मुकेश सर, और क्या नाम योगेंद्र सर, ये मेरे मौसा जी है ही, और क्या नाम है नेके राम भाई, और ये अपने योगेंद्र सर के फ्रेंड है। और ये देखो भाई साहब दोस्तों डेमो लांबा जी का, ओहो हो हो। और ये हमारी फुल फैमिली देख सकते हो आप, गुड्डू नेहा सीमांटी, और ये चेची है ही, और ये सुमित भैया। ये देखो भाई साहब फोटो के दीवाने होते हैं ना, ये देखो दुल्हन तो बाद में फोटो खिंचवा लेगी, देख लो पूरी ड्रेस वगैरह भी देख सकते हो आप। थोड़े दिन पहले हमने फोटो शूट भी किया था इसमें, अगर आप देखोगे तो ये लहंगा आज भी ऐसा कैसा ही है। और ये देखो फोटो के दीवाने इसको बोलते हैं, एकदम साइड में से एंगल देती है मतलब बिल्कुल भयंकर वाला। ये देख लो दोस्तों एंट्री बस है, पूरा लांबा परिवार आया था छोड़ने के लिए, बस तू जा आफत जा, तुम हम इनके अब घर में हमारे पास मत आना।
ये हमारे, अब मैं दूसरा नाम बोल नहीं सकता, बुआ जी के लड़के तो है संजना के, लेकिन नाम क्या है नहीं बताओगी, असली नाम ही नहीं पता, रमेश है। हाँ ये बोलो ना, तो वही तो बोलो, वो वाला नाम मत बताओ, वो अपना प्राइवेट नाम है, वो नाम नहीं बताना। और ये देखो दोस्तों, इसमें आके देखो इसकी, और ये देखो तुम्हारे भाई ने बस वैसे एंट्री, रॉयल एंट्री करवा दी पूरी गजब। और ये देखो ब्लैक एंड व्हाइट में क्या लगती है, सुंदर सी, ओहो अभी भी ऐसे की ऐसी है। ये देखो दोस्तों, ओहो हो, ये देख रहे दोस्तों पतलुद्दीन, ये मैं हूँ, उस समय मैं बहुत पतला हुआ करता था। ये देखो मैडम की फोटो, और ये देखो भाई सब दोनों, ये मेरे को देख रही है, मैं किसी और को देख रहा हूँ। कौन थी वो लड़की संजना, आप तो बता दो। और ये देख लो दोस्तों, इस पर भी आंखें यूं हो ही जाती है, इतनी ज़्यादा चार चार फ्लैश लाइटें चल रही है, ऊपर से कैमरे वाले जबक 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 करते हैं ना, तो वैसे हो जाती है। और ये देखो दोस्तों वरमाला हो गई, कैसा लग रहा है तुम्हारा भाई? संजना को मत देखना वरना मुझे पता तुम इसकी तारीफ करोगे। ये अपने जिसने पहना दी पहले, अब अपने भी डेमो दे दिया, लो मैं भी पहना देता हूँ, अब तुम नाराज हो जाओगी वरना। और ये वरमाला की बात की फोटो देख रहे हो, दो दो तो माला पहनाई है हमने डेमो में, लोवा एक एक पहनाते, हम दो दो पहना रहे हैं। ये देखो वरमाला तो हो गई, और ये अभी तो माला लेके खड़ी है, फोटो वाले ने फोटो आगे पीछे लगा थी। और ये देख लो दोस्तों, पूरा परिवार हमारा एक साथ, जो भी है सब अपने खास खास। और ये पार्टियाँ लेट आने वाली पार्टियाँ, इनमें से कुछ जो जानबूझ के लेट आई थी। और ये कामना दीदी, ये हिरमा जी, और बाकी सबसे आप मिल चुके हैं, कामना के ब्रदर है, ये कामना है, कामना का ब्रदर ये है, बाकी सबसे आप मिले हुए हो पहले। और ये इनसे भी आपको मैंने मिला ही दिया था। और ये लंबा जी की फोटो देखो, मल्टी कलर में भी यार अच्छी आ रही हो तुम, ओरिजिनल में नहीं हो सकती अच्छी। और ये हो गया आप चालू नेक वेक का, जो मतलब करते हैं बारात का स्वागत के बाद में, मतलब ऐसे वो करते हैं जो भी सामान वगैरह संभलाना हो, करना जो भी होता, वो जिसमें आप देख सकते हो मौसा जी वगैरह, पापा के फ्रेंड्स वगैरह सब बैठे हुए हैं। और इसमें भी वही है फोटो, इसमें आप देख सकते हो हमारे बड़े संजना के चाचा जी, और इधर बैठे हुए हैं हमारे जो ताऊजी वगैरह सब, नाना जी वगैरह। और ये जुआरी होना चालू हो चुकी है भाई, मामा जी को दिए ड्यूटी जुआरी करने की है, बड़ों को देनी चाहिए, हमारे जैसे तो भाग जाए। और ये सामान वामान चेक वेक कर रहे, जो भी था संभालने का जो काम होता है, पहले आपस में बताते हैं उसके बाद संभालते हैं। और ये सामान तो देख सकते हो दोस्तों, ये हम लेके गए थे जो, अब क्या खुश हुई भाई ये है। और ये फल फ्रूट्स वगैरह हो गए, कपड़े वगैरह हो गए, सब ये सब क्या बताना। और ये है देख लो दोस्तों, अब ये विमला दीदी को आपने बताया था बैंकर, ये रवि जी हमारे, अरे ये रहे साडू जी, ये ड्रेस संजना की ही बनाई हुई, जो पूरी ऊपर से नीचे तक जो भी दिख रही है। और अब ये देखो दोस्तों, आप बताता हूँ इस लड़की को आप देखोगे, ये अब क्या बताऊँ, बराबर सी मान लो तुम्हारे, ज़्यादा फर्क तो नहीं है। ये तो वो है मिष्टी। हाँ मिष्टी तो बता रहा हूँ, सपना दीदी की, जिसका भी हमने पार्लर का जो हमारे हुआ था पार्लर शूट, सपना पार्लर जो था मैं नाम भूल गया एकदम से यार, तो उनकी बेटी ये खुशी, और ये छवि तो आप देख ही लो। और इधर आ गए हमारी पार्टियाँ थोड़ी, अजमेर से दीप्ति, हिमाचल, ऑस्ट्रेलिया, अजमेर, ऐसे तो ना डेमो फुल दूर दूर से आए थे। और ये देखो गुंडे हमारे, और ये हमारे राम भैया वगैरह है, रवि जी के भैया, और ये फिर ये रवि जी के जीजा जी, ये रवि जी की सिस्टर पूजा दीदी, और ये हमारी थोड़ी गैंग मेम्बर हमारे आ गए सारे। और ये अंगलाल भैया वगैरह से आप मिल चुके हैं। और इधर देख सकते हो आप, इनका नाम क्या था, योगेश, योगेश भैया आई है बीजेपी, इन्होंने कहा मतलब वो डीपी लगी हुई बीजेपी की। ये फैमिली फ़ोटो होगी थोड़ी एक, और ये देखो दोस्तों शादी के साथ मियाँ बीवी बच्चों सहित, यज्जू है। हाँ दोस्तों यज्जू, ये आज जो जो मैंने आपको बताया था ना, दो दांत नहीं है जिसके, वो ये लड़का इसके दांत उड़ गए। अच्छा, और ये देख लो सरपंच साहब हमारे, चतुर्भुजपुरा के सरपंच साहब, चाचा जी है संजना के, और चाची जी है ही। ये मेरे साडू साहब से आप मिल लो सही से, और बड़ सास मेरी, इनकी ड्रेस भी दिखाऊंगी फुल मॉडल, इनकी ड्रेस भी दिखाएंगे ये। अरे भाई साहब बहुत बहुत टैलेंटेड है, खुद की ड्रेस तो बनाती बनाती औरों की बनाती है। 80-90 कलियों के लेंगे थी, लेंगे सिर्फ घर पे। ये दीदी और जीजा जी आ गए, ये हमारे स्वामी अंकल स्वामी आंटी, और इधर ये लक्की भैया, ये लाला भैया की फैमिली वगैरह आ गई। इधर आ गए बुआ जी, ये संजना की बुआ जी है, और ये फूफा जी है, सबसे मस्त आदमी इनके घर के, दो खतरनाक मस्त आदमी। ये मौसा जी वगैरह की फैमिली आ गई पूरी, मौसा जी मौसी जी उनके बेटे बेटी, कोमल पूजा, मांगीलाल भैया की फैमिली, और ये मेरी दादी जी बाबू,
और ये हीरा मौसी की सासू जी, ये आ गई हमारी राजू मौसी की पूरी फैमिली, मौसा जी, बिट्टू, कोमल और मौसी। और इधर आप देख सकते हो मेरे मामा की पूरी फैमिली, मामा मामी और ये दोनों उनके बेटे। ये दोनों भी अब मेरे बराबर हो चुके हैं, क्रिकेट में रखे क्रिकेटर बैंकर। ये गुड्डू भी आके अपनी मम्मी आ ही चुकी है। इधर पूरी फैमिली फोटो, सीमा आंटी की पूरी। ये मैं ताऊ जी के लड़के और उनकी वाइफ भाभी जी हमारी और उनके दोनों बच्चे, ये ताऊ जी और ताई जी। इधर आ गए सभी चंदा दीदी वगैरह सब। और ये नाना नानी की फ़ोटो, इकलौती फ़ोटो होगी सर जो हमारे साथ की है। और ये है हमारे सबसे सीनियर संजना के गांव के, क्यों अब आप देख लो पूरी फ़ोटो एक साथ पूरे बार सब। लेडीज़ डिपार्टमेंट में ख़तरनाक काम रहता है। ये हमारे बड़ा और बड़ी, ये हाथ में वीर वैसा, ये क्या हो गया दोस्तों, हम छोटे छोटे से थे बिल्कुल। ये 2.5 साल का था उसमें। ये हमारे भाभी जी पड़ोस में, ये पड़ोस में भाभी जी हमारे रेंट पे रहते थे, ये हमारे पड़ोस में रहते थे, ये आंटी है ही, ये उनके बच्चे, इन दोनों बच्चे हैं इनके। और ये जो बच्चा दिख रहा है ना आपको, ये रावी से तो बहुत बड़ा हो गया, क्यों होना ही इसमें इतना बड़ा है तो रावी तो बात हो गई थी। हाँ और ये बुआ जी फूफा जी का हो गया, ये सुरेंद्र जी भाई साहब, ये हमारा छोटा वाला साला, और ये दिनेश जी, ये भी मेरे साले ही है। ये महेंद्र, सुरेंद्र, ये हमारे भाभी जी और ये राजू भैया, ये है मेरे बड़े वाले साले साहब, और उनकी वाइफ, उनका बच्चा, उनकी बच्ची, उनकी बच्ची, ये इनके पूरे घर की बच्ची। ये देखो दोस्तों डेमो मत देखो यार, बहुत अजीब लग रहा हूँ मैं इसमें। ये आशीर्वाद आशीर्वाद ले लिया, मम्मी को हंसी आ गई, पता नहीं ऐसा क्या हो गया यहाँ पे, क्या हुआ था तुम्हें पता है? तुम्हें नहीं पता, क्या पता। और ये पिताजी वगैरह के साथ फोटो हो गई। अब देखना आपको एक डेमो दिखाऊंगा दोस्तों, ये फोटो तो ठीक है। अब ये देखो भाई साहब, बोले सबको पता चलना चाहिए, मैंने पैसे दिए, बोले ऐसे तो पता नहीं लोग कट करते थे, लेकिन मैं फ़ोटो अलग से खिंचवाऊंगा, बोले पापा का ये था, मम्मी पापा के एक ही नंबर वाली फ़ोटो। ये देखो भाई साहब फोटो आप, ये है सपना दीदी जिनका आपने देखा था पार्लर को, प्रमोशन वगैरह हमने किया था सारा, इन्होंने हमारे मेकअप किया था, बहुत ही अच्छा। ये पहलाद भैया भोपाल से, ये मेरे साले साहब हैं संजना के, जो आपको मैं बता रहा था बड़े बड़े के बड़े वाले पुत्र हैं। अरे आगे दादी जी मेरी, पापा मम्मी के साथ फोटो हो गई। ये पापा की फ्रेंड वगैरह आ गए, ये मम्मी के साथ आ गई। ये देखो भाई साहब, पता नहीं मौसी को क्या ही दिखा रहे पापा और दीदी, और बता रही नहीं वो नहीं वो है। ये आई गई फ़ोटो, ये हमारी पूरी फैमिली फ़ोटो। और यहाँ फ़ोटो आती ही अलग ही हमारे मुलामा जी का मूड ऐसा हो जाता है सड़ू। ओए ये री पूरी ड्रेस, ये देखो दोस्तों ये ड्रेस संजना की बनाई हुई है, ये ड्रेस तुम्हारे से नहीं है, ये नहीं है संजना की बनाई हुई, ये ड्रेस संजना की बनाई हुई है। ये पापा मम्मी का आशीर्वाद लगी फ़ोटो, ये अपना फिक्स है, वो फ़ोटो होती है ये तो आएगी आएगी। और ये घर पर क्या करते, टोटका है ना, क्या बोलते हैं पीछे से शादी के बाद में जब लेडीज वगैरह मिलके शादी का कुछ करती है ना, वो टूटिया टूटिया बोलते हैं, टूटिया कर रही है। और अब आप देख लो बस, अब डेमो देखो आप हमारा, और इतनी मेरे मुँह पे फोटो आ गई, हाँ लाइट आ गई सॉरी। और ये देखो दोस्तों फोटो तो एक ही नंबर है वही हमारी, बस मैं अच्छा नहीं लगता कैमरे के सामने पता नहीं क्यों। और ये खाना वाने का काम चालू हो गया था, उसके बाद में सब एक दूसरे को मिठाई वगैरह खिला रहे, मिल रहे, बात कर रहे, सब कर रही है। देखो भाई ये कोमल दीदी, आपको पहली फोटो आई होगी दिखती है मेरे को तो, स्टेज पे एक फोटो नहीं है। ये हमारे दिल्ली वाले मौसा जी, जो आपको बताया था मैंने, इनकी बेटी है ये रे दिल्ली वाले मौसा जी। और ये देखो हमारे को मिठाई विठाई खिला दी, इधर से कोमल जी ने भी हमारे को मिठाई खिला दी। और ये देखो भाई साहब खुद की फ़ोटो पहले खिंचवाने वाले, दूल्हा दुल्हन गए बाढ़ में, ये देखो भाई साहब खिलाई दी आखिर कर लाऊ मिठाई, तो तुम्हारे हाथ से मीठी बहुत लगी थी यार, मत मानो हंसती रहती तुम तो। इधर खाना वाना चालू हो गया, इधर देखो दोस्त अपने भी डेमो सेट करी थी, मतलब खाओ जो मैंने आधी खाई थी वही खिला दी, मतलब बिना फालतू क्यों वेस्ट करना खाना। ओहो ओहो दोस्तों ड्रेस चेंज, आप सोचो मेरे मुंह पे मत जाना, बस इसकी ड्रेस पे जाओ। ये वैसे ये रस्म होती है जो भी पेड़ वेड़ धोने की, और क्या करवाते हैं मतलब पूजा फेरों से पहले। ये तो डेमो वापस सेट कर दिए भाई साहब, इधर से वो जो भी होता है पूरा रस्म वगैरह कर रहे पापा पापा और मम्मी। और ये फ़ोटो में खासकर दोस्तों वेट कर रहा था, इस फोटो में आपने कुछ नोटिस किया नहीं किया, चलो मैं दिखाता हूँ। ये देखो दिखा, अभी दिखा, अब दिखा गया कुछ, मतलब मम्मी हमारे ऐसे थी लंबा, तुम्हें तो खैर पता ही, तुम हंसो मत कि हाँ भाई फेरे चल रहे हो, तबीयत खराब रहती, हाँ खराब रहती तो मैं मना सुना कर रहा हूँ, नींद का मजा ले लिया ना,
सब तो नींदों में भरे हुए थे और मम्मी आराम से घूंघट निकाल के नींद के लेने के मजे ले रही है। हाँ चलने दो, ये देखो वैसे बोली मई। और ये हल्दी की लगा के कुछ ऐसे रस्म करते हैं, हल्दी है, हल्दी है हाँ। और ये हाथ पीले करते हैं, हाथ पीले करते हैं, फिर हाथ के आगे बांध बूंद देते हैं। मेरे को ये पता है, मेरे भी हाथ कर दिए दोस्तों लो पीले, इधर मम्मी ने भी कर दी। और ये देखो ये हमारे हाथ, इसके दो मेरा एक। और मेहंदी पे मत जाना दोस्तों, बहुत महंगी मेहंदी लगी थी, बहुत पैसे लगे थे इस मेहंदी को बनवाने में। हंसो मत, तुम एक तो दिया हर बात में हंसो मत करो। और ये देख लो दोस्तों डेमो में आपके दोनों की, हम दोनों की आंखें देख लो भाई साहब, कैमरे पर सर नहीं हटनी चाहिए नजरें। और मैं भाई साहब ऐसा भर गया था ना, साफा लगाए हुआ और शेरवानी पहना हुआ, यूँ चुभने लग गई थी लास्ट तक तो। लेकिन फिर मैं देखा लुगाए मिले नहीं मिले, कर ही लो सही से। ये देख लो छोटे छोटे से हाथ, अब भी इसके हाथ इतने, ये देखो, ये देख लो दोस्तों अभी ये देखो, हाथ रखना एक बार हाथ रखना, अरे यूँ नहीं यूँ रखो, हाँ ये देखो दोस्तों बांदरी। और ये दोनों के हाथ देख लो, अभी दिख जाएगा आपको, मैं दिखाने लग गया। और ये लो जी दोस्तों हमारे बड़े ठेकेदार जी, हमारे साले सब बात फुल डेमो में सेट रहते हैं। और ये हमारी कमांडो टीम देख लो पीछे, मेरी बनाई हुई है। और ये जो ड्रेस पहन रखी है ना लामा ने, ये भी इसी ने बनाई भी, इसके भी वीडियो शायद आपको दोबारा बीच में मिलोंगे। आपने अगर नहीं देखे हो तो मिस राजू का पेज है हमारा इंस्टाग्राम पे, MISRAJVIKA, जिस पे जाके आप फॉलो करो, इस ड्रेस के वीडियो और इसकी ड्रेसेस वगैरह की वीडियो मिल जाएंगे आपको आराम से। और ये देख लो फेरेवेर लेना चालू कर दिया, जल्दी जल्दी कर लो भाई, अब पीछे हमारे कमांडो थक थक के हो गए थे पूरे। आधी देख लो इसकी आंखों में नींद देख लो तुम तो, पापा का आशीर्वाद लेके जो भी करते हैं पतासे वतासे पकड़ाने का ना, ऐसा कुछ रस्म होती है। और यहाँ पे कोमल का नंबर आया था, चूड़ा पहनाने की रस्म जो भी होती है। और ये देखो भाई, अब मम्मी की नींद पूरी हो गई, जो पंडित जी सब पटलाइयाँ कर रहे हैं, सब बीच में रुकते हैं ना थोड़ी देर के लिए, तो राजू भैया को भी आप देख सकते हो गहरा चिंतन कितना कर रहे हैं, नहीं दिख रहे हो तो ये देखो ये रहे। और ये लो जी सासू माँ ने हमारा कर दिया आदर संस्कार सत्कार। और ये लांबा जी के गिफ्ट्स आए थे खुद के पीआर की तरफ से, जो भी सबका अलग अलग था, किसी ने क्या बोलते आर्ट, पापा की तरफ से आर्ट था, किसी की अंगूठी अंगूठी प्रहलाद भैया की तरफ से भी थी, शैतान जी की, रवि भैया चाचा और की तरफ से, सबकी तरफ से कुछ ना कुछ जो भी आया था सब इसमें है, आप देख सकते हो। और साथ ही साथ में ये हो गई वापस मम्मी ने संजना की भी। और ये लो जी दोस्तों आगे सुबह सुबह उठ के ढोक देने के लिए मंदिर में, और ये मम्मी जी ने हमारा कर दिया। हम भी वापस से सुबह सुबह वो सिस्टम चालू हो जाता है, ये मंदिर में पूजा पाठ चल रही है हमारे पंडित जी से, सब बाराती तो घर जा चुके थे और हम ही बचे थे लिमिटेड बाराती। और ये भाई साहब ये खाना मैं आपको क्या ही बताऊं, आप ये होता हो चावल में डलता है घी और घी के बाद में डलता है बूरा, इसमें नहीं है तो इसमें ही है, वो इसमें ही था, कौन सा वाला मीठा सोडा, मीठा सोडा बाद में था, यही था, ये नहीं था। तो भाई साहब मैं थोड़ा जो भी था जब भी था मेरे तो मीठा सोडा डाल दिया बूरे की जगह, और जानबूझ के डाला गया था, नहीं जानबूझ के नहीं था, झूठ नहीं बोलोगी, बूरे की और उसकी थैली जैसी थी तो वो गलती से वो डल गया। सही बात है दोस्तों, झूठ बोल रहे सब। ये तो भाभी जी ने अपने पहुँचा दिया सामान, इधर शीला दीदी ने पहुँचा दिया सामान, ये हमारे दादी जी जो हमारे ससुर जी से पहले थोड़े टाइम पहले एक्सपायर हुए थे, जिनसे मिलने दिल्ली भी गए थे, तो दिल्ली की रील्स वगैरह उस समय की थी जब वो मिलने ही गए थे। और ये हमारे बैंकर साहब, ये शर्ट पता नहीं मेरे पास थी, कैसे नहीं थी, पहने भी थे इसको तो पहना था, देखो दोस्त याद तो है छोरी को, मैं भी मैंने कपड़े पूछ रहा कब पहना था इसको नहीं पता, लेकिन ये वाला जरूर पता है। और क्या नाम है, ये दिल्ली वाले मौसी जी, इनकी भी रील्स और यूट्यूब पर इंस्टा पर बहुत फेमस है भाई साहब, वैसे नहीं डेमो में हमारे बहुत लोग है। और ये देखो दोस्तों, रुको रुको रुको, ये लो, ओहो हो, बाबुल की दुआ तू लेती जा जा तुझको, ये फोटो कितने अच्छे है गेहूं वैसे, ये फोटो तो भाई साहब ये देखो दोस्तों दिख रहे ना आपको डॉट डॉट डॉट, ये गेहूं छाले थे इसने जो भी पूजा के समय तो हुआ था। और ये देखो दोस्तों आप देखो तो सही, मम्मी तो खुश हो रही थी वैसे तो, मुंह बना ली कैमरा सामने दिख के ना खुश हो रही थी, जा जा आफत जा। और ये देखो दोस्तों ये तो फोटो है यार, मैंने ये देखो, ओहो हो क्या करे इस फोटो का भाई साहब, इस फोटो को मैं 100 बार देख सकता हूँ। ये देखो सब राजी हो रही थी, अंदर ही अंदर जा रही है भाई, जा रही है, जान दो है ना, रोने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी आंखें दिख रही है, ज़्यादा होशियार मत बनो अब। और ये रोने की फोटो एक और देख लो दोस्तों आप, और अब आपको एक फोटो दिखाऊंगा, अब ये देखो मैं फोटो जरूरी तो है, मैं तो बैठी थी उसमें कैमरे वाला बोला फोट... एक बार इधर देखो और तुम कैमरे वाले को मतलब रोते रोते कैमरे वाले को देखने के लिए तैयार हो गई, तो मुझे थोड़ी पता फोटो के लिए कहा था। ये भाई साहब हमारे सरपंच साहब की गाड़ी, अब बताऊंगा नहीं किसकी सरपंच साहब की थी लेकिन थी,
और ये फोटो दूर से विदाई की, और ये हमारी पूरी गैंग खड़ी हुई विदाई लेने के लिए। उस समय रवि जी का एक्सीडेंट हो गया था कुछ टाइम पहले, तो स्टिक लेके चल रहे थे मेरे साडू साहब, और ये हमारी गैंग निकल चुकी है। और ये लो जी दोस्तों, ये क्या था, अगले दिन देवी देवता ढोकने के लिए, मतलब वैसे पास में ये पहुँच गई, घंटी वंजी बजा ली। और ये देखो हमारी गैंग, ओ हो। और ये लो जी दोस्तों, बजरंग बली जी के मंदिर में आ गए अपन ढोक देना। और देख रहे हो फोटो, ओ सॉरी, ये देखो एक दिन में खुशी इतनी हो गई ब्याह की, पूछे मत। ये हमारे सब ममता दीदी वगैरह सारे के सारे। और ये रस्म होती है कि एक हाथ बट मतलब लड़की तो खोले दो हाथों से, और लड़का खोले एक हाथ से, ये कोई मतलब वो था ना, अन्याय है ये लड़कों के साथ में, अन्याय है। ये देखो बेटी दो हाथों से खोल खुला के फ्री कर दी, मैंने तो एक से खोला और ये दो से खोली है। और ये देखो भाई साहब, ये तो भाभी के साथ में जो खेलते नीम के पत्तों से, उसके बाद मम्मी जी यही बताना रहे इतनी प्यार से क्या मार रहे हैं एक दूसरे के, अब आओ देखो तुम्हारा मैं बताऊँ कैसे मारना। ये देखो भाई साहब, ये चल रही है वापस से लांबा जी की और मेरी लड़ाई, और ये पूरी फैमिली एक साथ हमारी। और ये हमारी सुहासनी आई थी साथ में कंचन, और ये सब हमारे साथ में आप देख ही सकते हो। और ये सुबह पहले की रस्म होती है खेलने कूदने की जो भी है, फिर उसके बाद में चावल खिलाने की। अरे अभी तो खेलने कूदना भी तो आएगा ना, तो ये हुआ था इस समय खाना वाना खिलाने का। और ये फिर लांबा जी ने मेरे को खिलाया, फिर मम्मी को खिलाया, फिर मम्मी ने संजना को खिलाया। और इस समय देखो मम्मी ने क्या दिया है, नथ सोने की भाई साहब है कहाँ पे संजना बताओ तो सही। ये देखो भाई साहब मम्मी की फ़ोटो, रवि जी की और मामा जी मौसा जी की फ़ोटो देख लो। और ये हमारे सुहास थे कोमल जी, सॉरी कंचन जी। और ये आगे गणेश जी के बामन का, जिस समय मेरे को खाना नसीब नहीं हुआ, सब काम में लगा दिए मम्मी जी और मम्मी। देख लो आप जल्दी जल्दी, ये भी इसमें भी नेक नाचा नेक वेक होते जो भी, तो वो भी चल रहा है। और ये देखो दोस्तों, ये पूरी गैंग मेंबर देख लो हमारे पूरे, इनको तो आप जान ही गए, बोलने की जरूरत नहीं है, तो हंसी कैसा। तो लो जी दोस्तों, एंडिंग होते हुए लांबा जी की खतरनाक फोटो, और साथ ही साथ में ये देखो लंबू और छोटू, बेटी हील्स पहन रखी थी तब बराबर आ गया दोस्तों, इतनी लंबी है नहीं। और ये देखो दोस्तों, ओहो हैप्पी वेडिंग, अब ये तो लिखने वाले लिख दिया, हमें पता है कैसा क्या हो रहा है। और लास्ट फोटो आपको दिखने को मिलेगी ये देखो दोस्तों, कैसी लग रही फोटो बताओ तो आपको, कैसी लगी फोटो, कैसा लगा पूरा शादी का एल्बम कमेंट्स में बताना जरूर जरूर। और जल्दी आपको डीवीडी का भी बना के दिखाएंगे, जो हमें स्पेशल जो भी मोमेंट्स है जो भी था आपको सारे उसमें। तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो, और अच्छे अच्छे वीडियोस के लिए वेट करो, ताकि दोनों को बताओ कि हमारे वीडियोस आपको कैसे लगते क्या लगते कमेंट में जरूर बताना। हाँ, तब तक के लिए ब्लॉग इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड, मिलेंगे कल एक और नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। और वीडियो को आग लगा दो, आग लगा दो।